हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। आज मैं बहुत ही रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल से वैकेंसी की अपडेट लेकर के आई हूँ, जो कि है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज की बहुत ही डिमांड रहता है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए जल्द से जल्द। और ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से। तो इससे पहले भी मैं वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स की वैकेंसी की अपडेट ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के चेक कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। और ऐसे ही छोटी बड़ी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर देखिए, TGT एंड PGT टीचर्स का रिक्वायरमेंट है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, PRT ऑल सब्जेक्ट्स, ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट। ऑफिस स्टाफ्स क्या क्या है? अकाउंटेंट है, ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, एडमिशन काउंसिलर, टेलीकॉलर। एक्टिविटी टीचर का रिकमेंड है योगा और फिजिकल एजुकेशन और मार्शल आर्ट्स और डांस। क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ्स क्या क्या चाहिए? यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम DLED और BEd एंड 3 to 5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस जरूरी है विद गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में मेल देयर डिटेल्ड रिज्यूम टू जॉब dps.barasat@gmail.com पे आप लोग आप लोगों का CV सेंड कर सकते हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट्स हो तो PRT में आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आप लोग अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन है, ठीक है, सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर होना मैंडेटरी नहीं दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को प्रेफरेंस मिल जाएगी अगर है तो आप लोगों को। अगर नहीं भी है एज अ फ्रेशर एंड विदाउट सीटेट, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्कूल है, बहुत ही रेपुटेड स्कूल है। ये दिल्ली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से वैकेंसी आई हुई है, मोइनागोड़ी 12/24 से वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मेल एड्रेस बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, jobdpss12@gmail.com। तो एक लेटर मिस होने से दोस्तों आप लोगों का मेल नहीं सेंड होगा, तो आप लोग अच्छे से मेल सेंड कीजिए आप लोगों का डिटेल रिज्यूम अच्छे से बना करके, ठीक है, और ज़रूर अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।